देश विदेशों में परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाया गया, जिसमें बिलासपुर जिला से एवं छत्तीसगढ़ के सभी संभागों जिलों से लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परमेश्वर कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में शामिल हुए। 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह हुआ संपन्न। 151 जोड़े बंधे परिण्य बंधन में। सतलोक आश्रम में किया गया अंतरराज्य विवाह का आयोजन। आश्रम में 10,000 से भी ज्यादा सेवादार कड़ी धूप में दे रहे सेवा। मध्य प्रदेश बैतूल जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम उड़दन स्थित सतलोक आश्रम में कबीर प्रकटोत्सव के उपलक्ष में चल रहे 3 दिवसीय भव्य महासमागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम में चल रहे संत कबीरदास महाराज के अमृत वाणी अमर ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ को श्रवण किया। अवतार बताकर इस पूरे विश्व में कबीर साहब के ज्ञान का डंका बजाया है। आज 626वां कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। इससे पहले कई कबीरपंथी आ गए, लेकिन उन्होंने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का भेद नहीं जान पाया और नहीं बता पाया। सारे शास्त्रों से प्रमाणित करने का सिर्फ एकमात्र ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, जो इस धरा पर साधारण जुलाहे की भूमिका निभाकर पूरे जन जन जनमानस को एकता का, ज्ञान का, भाईचारे का संदेश देकर सशरीर इस लोक से अपने निज धाम सतलोक को गए। और ये आज तक हमें कोई जानकारी नहीं थी, और इस जानकारी को सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों और ज्ञान के आधार पर हमारे आश्रमों के में मनाया गया। यानी एक नेपाल में भी है हमारे गुरु जी का आश्रम संत रामपाल जी महाराज का, उसमें आप देखेंगे कि कई कबीरपंथी कबीर साहब के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें कल 3 जून को जो कार्यक्रम हुआ, उसमें सामाजिक उत्थान का भी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुआ। 312 यूनिट रक्तदान किए गए, जो रक्त जरूरतमंदों को, सोल्जर्स को, किसी को भी लग सकता है, उनके लिए हमने बिल्कुल निशुल्क में रक्तदान किया संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तथा 151 जोड़ों का दहेज रहित विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 11 आश्रम सतलोक आश्रम बैतूल में तो हुआ ही, साथ ही अन्य 11 आश्रमों में अन्य जोड़ियों का भी दहेज रहित विवाह हुआ। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में ये बता श्रम आए आकर अपने श्रम यानी कि अपने बोझ को मिटाए। वो कहाँ मिट सकता है? वो पूर्ण संत के शरण में आने पर ही मिट सकता है। और संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर निःशुल्क भंडारे की भी व्यवस्था कर रहे हैं। 3 दिन तक पाठ का भी आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अनुशासन का पालन किया जाता है। कोई भी एक व्यक्ति आपको यहाँ पर कोई भी नशा करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी अनाचरण करता हुआ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ सफल हो पाया है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो पाया है। और वे कबीर साहब के ज्ञान को ही बताते हैं। कबीर साहब इसी तरह का एक समाज का निर्माण करना चाहते थे, और वही संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व